नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आलू की सब्जी बनाना सीखेंगे। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे बनाने के लिए भी बहुत कम मसाले का यूज़ होता है। आलू की सब्जी बनाना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने 3 आलू लिए हैं। अब हम इन आलू को अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद कुकर में आलू डूबने जितना पानी रखना है। अब इसे 2 से 3 सीटी होने तक पकाना है। अब हमारी 2 से 3 सीटियां हो गई है। अब इसे हम खोल के चेक करेंगे, देखते हैं आलू पके हैं या नहीं। आलू तो अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसे निकाल के ठंडे होने के लिए रख देंगे। आलू को छील के उसे बारीक कट कर लिया है और तड़का लगाने के लिए राई, जीरा, कड़ी पत्ता, 4 मिर्ची बारीक कटी हुई, हींग, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वादानुसार और धनिया। सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम करने रखी है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें राई डालेंगे। राई के बाद हम जीरा डालेंगे। मैंने गैस कम कर दिया है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अब हींग डालेंगे, हल्दी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब इसमें आलू डालेंगे। इसे अच्छे से हिला लेना है। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालना है और अच्छे से हिला लेना है। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डालूंगी। अच्छे से मिक्स करके ढककर पकने के लिए रख देना। मैंने अपनी सब्जी को 2 बार हिला के ढक दिया था। अब हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए, अब ये अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से हिला लेंगे। हमारी आलू की सब्जी तैयार हो गई है। इसे हम पूरी, रोटी, ब्रेड या डोसा के साथ खा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसे ही लजीज रेसिपी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।